आसुसुम किचन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आज जानेंगे कि मूंग दाल को अंकुरित कैसे करें घर में, वो भी कम समय में और उसी से एक हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट। आप जानते हैं प्रोटीन कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही ज्यादा दुरुस्त होना चाहिए, तभी बहुत से रोगों से हमारा शरीर अच्छे से सुरक्षा कर पाता है हमारी और हमें जल्दी से कोई रोग नहीं लगते। कहा जाता है कि हाई प्रोटीन सोर्स अंकुरित अनाज में पाया जाता है, तो आज कुछ ऐसा ही मैं आपके संग शेयर करने जा रही हूँ, मूंग दाल स्प्राउट ब्रेकफास्ट। अगर आप इस मूंग दाल स्प्राउट यानी अंकुरित मूंग दाल को अपने नाश्ते में या अपनी छोटी मोटी भूख के टाइम में खाते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। आपके शरीर में प्रोटीन की कमी को ये पूरा करेगा और बहुत ही टेस्टी भी ये नाश्ता लगेगा। तो आज की रेसिपी आप प्लीज पूरी देखें, ये जुड़ी है आपके और आपकी हेल्थ से, तो मेरी इस रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। साथ ही पसंद आए रेसिपी लाइक शेयर और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो है फुल ऑफ हेल्दी एंड प्रोटीन से भरपूर। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आप तक मेरी रेसिपी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहें, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग हेल्दी टेस्टी रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। मूंग स्प्राउट का नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में मैं डाल रही हूँ 1 कप साबुत मूंग, ये हरी वाली है और छिलका सहित है। अब मूंग दाल को अंकुरित करने के लिए सबसे पहले इसे आप 7 से 8 घंटे अच्छे से भिगो लें। तो पहले मैं इसको 1-2 वॉश साफ पानी से धो लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसे 2-3 पानी अच्छे से धो लिया है, तो मैं अब इसमें 4 कप पानी डालूंगी। अब 7 से 8 घंटे इसे हमें सोक करके रखना है, यानी भिगो के रखना है। एक प्लेट से मैं इसे ढक दूंगी और साइड रख दूंगी। देख लेते हैं, मूंग की दाल काफी अच्छे से भीग गई है 7 से 8 घंटे में ही। ये देखिए साइज में भी डबल हो गई है। इस पानी को रिमूव कर देंगे। रंग कितना अच्छा लग रहा है इस मूंग दाल का। तो अब इस मूंग दाल को हमको स्प्राउट करना है। स्प्राउट करने के लिए आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे कि आप किसी कपड़े में या मलमल का कपड़ा हो या कोई सूती कपड़ा हो, उसमें गठरी बांध के एक तरीके से आप बीच में घट्टा रखिए और उसको बांध दीजिए। आप इसे किसी हाइट पे टांग दीजिए, नल पे भी टांग सकते हैं अगर वो ज्यादा यूज नहीं होता है, या आप, मैं जैसा करती हूँ आप वैसा भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से सबके घर में ऐसी बोतलें मिल जाती हैं। गर्मी का सीजन है तो आराम से आपके घर में ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती होगी, तो वो बोतलों को आप फेंके ना। मेरे पास ये 1 लीटर की एक खाली बॉटल है। अब मैं इसको क्या करूंगी, एक गर्म चाकू की मदद से इसका इतना पार्ट काट दूंगी। मैं ऑलरेडी काट के रखी हूँ, तो मैं हमेशा इसी वाली बोतल में दाल को रख देती हूँ और वो बहुत अच्छी तरीके से अंकुरित हो जाती है। अंकुरित होने में हेल्प करते हैं, मैंने यहाँ पे इस तरीके से, देखिए मैंने यहाँ पे छेद बना दिए हैं इस तरह से, इससे हवा जो है अंदर आ जा सकती है आराम से, क्योंकि मूंग स्प्राउट होने के लिए, मूंग को अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑक्सीजन की वजह से ही वो अंकुरित हो पाती है। तो मैं अब अपनी दाल को इसमें पोर कर दूंगी, इसके अंदर डाल दूंगी। मैंने बॉटल में अच्छे से फिल कर ली है दाल को। अब इसको हमें ढक देना है। ढकने के लिए मैं यूज करती हूँ मलमल का कपड़ा और इसको इस तरह से लपेट देती हूँ पूरा और इसे बांध देती हूँ। और यहाँ पे मैं एक थैला जो है, आपके पास जूट का हो तो आप उस वाले थैले को भी इसमें लगा सकते हैं, या आपके पास कोई कागज का थैला जो आता है आजकल खाकी वाला, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से सिर्फ 2 स्टेप में ही आपको बोतल को कवर करना है। अब बोतल में कपड़ा भी है और बाहर ये हल्का सा थैला, इससे हवा आसानी से आर पार हो सकती है और हमारी दाल को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहेगी। अब 16 घंटे के लिए इसे मैं साइड रख दूंगी किसी डार्क प्लेस पे, या आप नॉर्मल प्लेस पे भी इसे रख सकते हैं। सोलह घंटे बाद
चेक करते हैं अपनी मूंग को कि स्प्राउट हुई है या नहीं। निकाल देंगे इसको, इसको मैं टोकरी में डाल देती हूँ। कितने अच्छे से मूंग अंकुरित हो गई है ये आप देख सकते हैं। हमें ज़्यादा लंबे इसके जो अंकुरण थे ना वो नहीं चाहिए थे, हमें मीडियम चाहिए थे। इसमें इतनी हीट आ रही है, इसे एक दो वॉश आप जरूर धोएं, क्योंकि इसमें जो हीट है उसको थोड़ा कूल डाउन करना चाहिए, क्योंकि उससे जो गर्मी है वो हमारे स्प्राउट के जो नाश्ता बनेगा उसका स्वाद थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। तो अच्छे से नॉर्मल पानी से इसे दो तीन वॉश आप धो लीजिए। इस तरह की बास्केट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, वैसे स्ट्रेनर घर में होते ही हैं सबके। अच्छे से इसको इस तरह से करते हुए आप धो लीजिए, आधा रख लीजिए, आधा यूज़ कर लीजिए, या आपके फैमिली बड़ा है, फैमिली में ज़्यादा अच्छी रिक्वायरमेंट है इसकी, ज़्यादा पसंद है, तो आप सब बना सकते हैं। तो चलिए अब नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पे, फ्लेम लो टू मीडियम रहनी चाहिए। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 2 छोटे चम्मच कुकिंग ऑयल। यहाँ मैं सनफ्लावर ऑयल का यूज कर रही हूँ, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। तेल अच्छा गर्म हो गया है, इसमें ऐड करूंगी 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, जिसको मैंने चाकू की मदद से डैब कर दिया है, दबा के इस तरह से फाइन काट लिया है। 3 छोटी हरी मिर्च जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है महीन, फ्लेम मीडियम रख के इसको 1 मिनट सॉटे कर लेंगे। लहसुन को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, ना ही ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करना है, बस हल्का सा ये कलर चेंज कर ले उतना ही हमें इसे चलाना है। अब इसमें 1/4 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर मैं डाल रही हूँ, इसको भी पका लेंगे अच्छे से। अब इसमें ऐड कर लूंगी मैं हमारी अंकुरित करी हुई मूंग दाल, इसको मैंने 1-2 वॉश अच्छे से धो लिया था, इसे मिला लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, मिला देंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम करके इसे 7 मिनट मैं धीमी आंच पे हल्का सा कुक होने दूंगी। अब यहाँ पे मैंने एक तड़का पैन को हल्का गर्म कर लिया है, इसमें 1/2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तेल अच्छा गर्म हो गया है, इसमें डाल दूंगी मैं ये मूंगफली है कच्ची वाली, 1/2 कप मैंने लिया है। इसको हम अच्छे से सौटे कर लेंगे, गैस बंद कर देंगे। इसे 1 कटोरी में उतार के हम ठंडा कर लेंगे। सात मिनट हो गए हैं, चला लेंगे। आप इस तरह से इसकी जड़े देख रहे हैं, जब ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आप समझिए आपकी मूंग कंप्लीटली कुक हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं हमारी फ्राई करी हुई मूंगफली, मिला देंगे। थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे और फिर से एक बार इसे मिला लेंगे। गैस ऑफ कर देंगे और गर्मा गर्म इसको सर्व कर लेंगे। लीजिए बनके तैयार है मूंग दाल स्प्राउट का एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही प्रोटीन भरा नाश्ता। ये मूंग स्प्राउट इतनी प्रोटीन भरी होती है, हमारे शरीर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को ये पूरा करता है, साथ ही साथ आपको इसको खाने के बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे बताएं, कमेंट्स करें आपको ये कैसी लगी। मैं आशीष शुक्ला मिलती हूँ आपसे ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।